तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकरणा स्टॉक्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। दोस्तों जीटीएल इंफ्रा के बारे में लेटेस्ट खबर क्या चल रही है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, मेरा क्या व्यू है, उसके क्या लेटेस्ट टारगेट निकल के आते हैं देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखना राइट। ये जो ऑब्जर्वेशन होने वाली है प्योरली रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ऑन द बेस ऑफ चार्ट होने वाली है। टेक्निकल एनालिसिस में इसमें बड़ा योगदान रहेगा, मतलब इस वीडियो के अंदर। बाकी जो इसके प्रॉफिट्स है लॉस है उसको हम इतना वैल्यू नहीं करेंगे अभी। और जैसा आप सभी को पता है पैनी स्टॉक बिलो 1 का था, ये तो वैल्यू करनी भी नहीं चाहिए अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग माइंड सेट के साथ जाना चाहिए कि भैया कितने रुपए मैं खोने के लिए रेडी हूँ स्टॉक में और कितने रिवॉर्ड में मुझे मिल सकता है। तो ये आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है जब भी पेनी स्टॉक बिलो में इन्वेस्ट करे। तो अभी ये जो स्टॉक है काफी सुर्खियां बटोर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लगातार वॉल्यूम की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। तो मेरा क्या व्यू कहता है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने भी बहुत पहले स्टॉक आपको सजेस्ट किया था बिलो 1 के आसपास, 60-70 पैसे के आसपास बहुत अच्छा पैसा स्टॉक ने कमा के था। 4.5 रुपए तक स्टॉक गया था, दोबारा उसी रेंज में जहां लास्ट ईयर आपको मैंने बताया था स्टॉक को बाय कर सकते हैं, उसी रेंज में स्टॉक ने सपोर्ट लिया, अब दोबारा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो अभी क्या गेन कर सकते हैं, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, क्या करें तेजी से के माध्यम से। तो दोस्तों जीटीएल इंफ्रा अभी 2.30 रुपए के भाव में ट्रेड कर रहा है राइट। अगर मैं इसका चार्ट के बारे में बात करूं तो लास्ट एक महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 6 मंथ में बहुत अच्छा रिटर्न स्टॉक ने कमा के दिया है। तो अब मैं अपना व्यू बताता हूँ पहले कि मेरा क्या व्यू पास हुआ था और आगे का मेरा क्या व्यू। अगर आपको याद हुआ ठीक है 70-60 पैसे मैंने आपको क्लियरली कहा था कि स्टॉक को आप अपने ऑब्जर्वेशन रख सकते हो। और साथ में जिनको नहीं पता एक प्राइवेट क्लास होती है मेरी ठीक है जो पेड है, तो उसमें मैंने 90 पैसे के आसपास बोलता स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, छोटा 80 हिस्से का स्टॉप लॉस लगा के, एंड वहां से एक अच्छा डीसेंट रिटर्न स्टॉक ने कमा के हमें दे दिया है। अब आता है क्वेश्चन कि क्या स्टॉक फ्यूचर में ऊपर जा सकता है, 100% जा सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं कि आप यहाँ गेम करो ठीक है। बहुत सारे पेनी स्टॉक बहुत सस्ते दामों में मिल रहे हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हो। ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत पंप हो चुका है तो बाय करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ छोटे मोटे शेयर्स बाय करके छोड़ दो। अगर टिप मिलता है स्टॉक में 1-1.5 रुपए के आसपास तो बाय करना, अदरवाइज मत करना। ये स्टॉक आपको 4 रुपए का जो स्विंग दिख रहा है आपको वहां तक के गेन दिखा सकता है, आप वहां तक के गेन दिखा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाय मत करो यार, नीचे टिप मिलेगा तब बाय करो ठीक है। 90 पैसे 1 रुपए में बाय बनता था, मैंने बताया था अपनी क्लास में, साथ में क्यों बाय बनता था वो भी लोगों को पता है। आप बोलते हो, आप लोग बोलोगे सर क्या रीजन है हमें बताओ, देखो उसके लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, आप नीचे नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल मैसेज कर देना, मतलब कॉल मत करना मैसेज कर देना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या सीन है। अब आता क्वेश्चन की स्टॉक में क्या करे ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब थोड़ा व्यू लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के व्यू से कि भैया कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है। देखो इंप्रूवमेंट पैनी स्टॉक्स में आपको पहले बोल चुका हूँ कुछ नहीं होती है, बहुतों में कुछ नहीं होती है, बहुतों में होती है, तो आप उसके बजाय फोकस मत किया करो। देखो आप लोग कहता है यहाँ पर आपको लॉस ही दिखेगा ठीक है, और आई थिंक ये भी आप चेकआउट कर लेना कंपनी एनसीएलटी में ना हो ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ बहुत बार कंपनी एनसीएलटी में होती है ठीक है। तो अगर एनसीएलटी में है तो भैया कम पैसा डालो, एनसीएलटी में नहीं तो होल्ड करो। होल्ड कैसे करना है वही लॉजिक है भैया, जैसे 1x 2x का रिटर्न आए ऑन योर कैपिटल अपनी पूंजी को सेव कर लो, फिर उसके बाद बड़े टारगेट के लिए वेट करो। जैसे यूनिटेक अगर आपको याद हो, अब ठीक है यूनिटेक 20 रुपए तक गया ठीक है, यूनिटेक आपका 20 रुपए तक गया, तो यूनिटेक अभी 15 रुपए ट्रेड कर रहा है। आप बोलोगे सर बाय कर ले, नहीं करना, इसके टारगेट 24 रुपए के बन सकते थे, मैंने बताया था कब, जब 1-2 रुपए में ट्रेड करता था, वहां से 1 रुपए से 12 रुपए का गेन था, टारगेट था 12 से 24 का था। अब 12 से 24 जाने में देखो पैसा मल्टीप्लाई होगा लेकिन 1x होगा, लेकिन अगर आपने 2-3 रुपए के भाव में बाय किया होता तो भैया पैसा कितना मल्टीप्लाई होता, आपको वो ध्यान रखना है ठीक है। तो कभी भी स्टॉक में बाय और सेल करो तो जब भी स्टॉक ऐसे ऊपर चढ़ रहा हो मत बाय करो, ऐसे ऊपर चढ़ रहा हो मत बाय करो, जब बॉक्स में ट्रेड करो तब बाय करो। आप बोलोगे सर ये स्टॉक नहीं बाय कर सकते तो कौन सा स्टॉक बाय करे, अरे बहुत है, अनगिनत स्टॉक है, गोल्ड लाइन है, क्रेटोस है, यामनी है, बहुत सारे स्टॉक है जिसको आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो जो सस्ते दामों में मिल रहे हैं, बस थोड़ा उनपे भी अगर मौका मिलता है करेक्शन आती तब बाय करो। ये नहीं कि चढ़ते हुए प्राइस में आप स्टॉक को बाय करो, नहीं, जब नीचे मिले तब बाय करो ठीक है। इन बातों का ध्यान रखो, जीटीएल इंफ्रा मेरे हिसाब से 4.5-4 की टारगेट दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर बाय मत करना, नीचे मिलता तब बाय करना ठीक है। अगर बाय कर रहे हो तो कुछ कम क्वांटिटी करो, क्योंकि अच्छा सबसे बेस्ट बाय प्राइस बनता था बिलो 1 के आसपास, जो निकल चुका है मौका, अब मौका निकल चुका है तो ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन में रखो बस, बाय सेल मत करो ठीक है। तो ये व्यू है जीटीएल इंफ्रा का।